कांग्रेस का नाश कर दिया रणजीत सुरजेवाला। हमारे अध्यक्ष पंडित हरिराम दीक्षित जी, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मेरे बुजुर्ग पंडित सियाराम शास्त्री जी, हमारे एससी समाज के नेता, कांग्रेस का नाश कर दिया रणजीत सुरजेवाला। तो जो वीडियो आपने अभी देखी है, इस वीडियो में आपने दिखाई देने लग रहा है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति रणदीप सिंह सुरजेवाला का माइक छीनने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद में वो उस तरफ गवे है, यानी कि उसका ऊपर आरोप लगा हुआ है कि आप कांग्रेस में दो फाड़ करने लग रहे हो। और आपने देख भी लिया है कि जींद में पहले भी रणदीप सिंह सुरजेवाला हार का सामना कर चुके हैं और आज फिर जींद के अंदर एक प्रकार से नाराजगी देखने को मिली है और उनका विरोध भी होया है। कर्नाटक की जीत के बाद में मामला थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रणदीप सिंह के समर्थक हैं वो सीएम का जो दावेदार है वो बताने लग गए हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को। हुड्डा गुट पहले ही मान चुका है कि भाई जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो आने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो इन मुख्यमंत्रियों की लड़ाइयों में हो सकता है कि कोई और माजरा बीच में चल रहा हो। और आजकल मुख्य तौर पर पहले 6-7 गुट बताए जाने लग रहे थे कांग्रेस में, लेकिन आज का दिन दो मुख्य धड़े बताए जाने लग रहे हैं। भाई एक जो हुड्डा है उसका है और दूसरा में तीन है, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सेलजा और किरण चौधरी। तो हर मामला में वो अलग प्रोग्राम कर रहे हैं और वो अलग प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम में इकट्ठे सारे के सारे दिखाई नहीं देंगे। और आने वाला टाइम में इन सारी बातों का किस तरह का असर आपको देखने को मिला है और आपकी नजर में वास्तव में कौन इसका दावेदार है और वाकई में कौन इसमें सही और गलत है, आपने ये 45 सेकंड की जो क्लिप देखी है इसमें आपने के कुछ पूरा मामला लगाया है। इगरा गांव का यू जो आदमी है विरोध करने वाला बताया जाने लग रहा है और बताया जा रहा है कि यू कांग्रेस कार्यकर्ता है, आपने इस पूरा मामला में के कुछ लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दिया, मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।